नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्भवती का जैसे नौवां महीना लग जाता है, उसे हर दिन प्रतीक्षा रहती है उसके डिलीवरी की। नौवां महीना लगने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। किसी का नौवां महीना कंप्लीट होता है और डिलीवरी हो जाती है, किसी किसी को डिलीवरी नौवां महीना लगने के बाद में तुरंत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, नौवां महीना लगने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है और वह सुरक्षित होती है। जब बेबी डिलीवर्ड होता है, यदि उसका वेट 2.5 से 3 किलोग्राम इतना हो तो यह सुरक्षित और नॉर्मल होता है। जब पहली बार प्रेगनेंसी है या पहली आपकी डिलीवरी है तो क्या होगा? क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? मेरे डिलीवरी के दर्द क्या मैं सहन कर पाऊंगी या मेरा सीजर होगा? ऐसे कई सारे सवाल गर्भवती के मन में आते रहते हैं। तो आज हम नॉर्मल डिलीवरी और सीजर इसके बारे में देखेंगे, जिससे आप दोनों के लिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर, इसके लिए तैयार होंगी। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी अपने शिशु को एक तो योनि प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन सीजेरियन डिलीवरी से अपने शिशु को जन्म दे सकती है। तो पहले जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है। नॉर्मल डिलीवरी यानी जब गर्भवती अपने शिशु को योनि मार्ग यानी वजाइना से डिलीवर करती है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। सीजेरियन डिलीवरी यानी यह ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पेट के ऊपर इंसिजन यानी कट दिया जाता है, उसके बाद बच्चेदानी पर कट दिया जाता है और बेबी को बाहर निकाला जाता है। वह प्रोसेस है सी सेक्शन यानी सीजेरियन डिलीवरी की। तो चलिए अब जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको आपका आहार संतुलित लेना है। दूसरा, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना है। तीसरा, आपके डॉक्टर के सजेशन से एक्सरसाइज कर सकती है। एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली लाइट एक्सरसाइज आपको करनी है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हेल्प होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना है और आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके लिए आप प्राणायाम नियमित रूप से थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर सकती है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में। तो चलिए आप जानते हैं सीजर के बारे में। सीजर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्लान करके किया जाने वाला सीजर, दैट इज इलेक्टिव सीजर, और दूसरा होता है इमरजेंसी में करना पड़ता है वह सीजर। कई बार कुछ कारणवश सीजर प्लान करना पड़ता है लेबर पेन स्टार्ट होने के पहले, जैसे कि बेबी का साइज यदि बड़ा है, वेट ज़्यादा है और माँ की पेल्विस का आकार जो है वो कम है, यानी माँ की पेल्विस एंड बेबी का हेड का जो पोर्शन है वो डिसप्रोपोर्शनेट है, एक दूसरे को प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में सीजर प्लान करना पड़ता है। जब प्लासेंटा नीचे के साइड में यदि है तो भी प्लानिंग से सीजर करवाना पड़ता है। बेबी का पोजीशन यदि नॉर्मल नहीं है, यानी हेड नीचे और पैर ऊपर, यह नॉर्मल पोजीशन में यदि बेबी नहीं है, इसकी बजाय बेबी के पैर नीचे हेड ऊपर ऐसी यदि पोजीशन है, बेबी आड़ा यदि है या ऑब्लिक पोजीशन में है तो भी सीजर करवाना पड़ता है। यदि माँ की पहली डिलीवरी सीजर से हुई है तो दूसरी डिलीवरी भी प्लान सीजर से करवानी पड़ती है। अभी देखते हैं इमरजेंसी सीजर कब करवाना पड़ता है। यदि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर इमरजेंसी सीजर करने के लिए डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि डिलीवरी के दर्द यदि लंबे समय तक हो रहे हैं और फिर भी डिलीवरी नहीं होती है, ऐसे सिचुएशन में यदि बेबी के हार्ट बीट कम होने लगते हैं तो डॉक्टर इमरजेंसी सीजर करवाते हैं। कभी कभी माँ को ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और ऐसे कंडीशन में भी सीजर इमरजेंसी करना पड़ता है। कभी कभी माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और ऐसे कंडीशन में भी इमरजेंसी सीजर के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी बेबी गर्भ में ही पॉटी कर देता है, जिसे मिकोनियम पास करना ऐसे कहा जाता है, और ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी सीजर करवाना पड़ता है। तो यह थे कुछ कारण जब इमरजेंसी सीजर के लिए जाना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं विच इज़ बेस्ट, नॉर्मल डिलीवरी या सीजर। डिलीवरी के बाद माँ और बेबी दोनों हेल्दी हो, इसके लिए जो भी बेस्ट है वह चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर,
ऑन टाइम जो डिसीजन लिया जाएगा वह बेस्ट होता है मम्मा के लिए और बेबी के लिए। एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी के अपने बेनिफिट्स है और सीजर के अपने बेनिफिट्स है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में माँ के शरीर की रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस भी कम होता है सीजर की तुलना में। नॉर्मल डिलीवरी में इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में जब बेबी बर्थ कैनल से पास होता है तो वहाँ सिकुड़ के बाहर आता है। इस प्रोसेस में शिशु के जो लंग्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले द्रव उसको निचोड़ने की संभावना होती है, जिससे बेबी को जन्म के बाद रेस्पिरेशन की तकलीफ नहीं होती है और वह आसानी से ब्रीदिंग स्टार्ट करता है। नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग पाई जाती है। यह थे फायदे नॉर्मल डिलीवरी के। अभी जानते हैं सी सेक्शन यानी सीजेरियन डिलीवरी के क्या फायदे होते हैं। यदि वैलिड रीजन के कारण सी सेक्शन हो रहा है तो वह गर्भवती और उसके शिशु के लिए एक वरदान साबित होता है। एक्चुअली प्रेगनेंसी रहना यह नेचुरल प्रोसेस है, नैसर्गिक प्रक्रिया है। उसी तरह बेबी को नेचुरली डिलीवर करना या नेचुरली बेबी का जन्म होना योनि मार्ग से यह भी नैसर्गिक प्रक्रिया है। सो नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी इज बेस्ट, बट स्टिल ऑन द टाइम लेबर के समय बेबी और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए जो उत्तम डिसीजन होगा, फिर चाहे नॉर्मल हो या सीजर, वह बेस्ट होता है। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही प्रिपेयर होना है और ऑन टाइम आपके गायनेकोलॉजिस्ट यदि आपको सजेस्ट करते हैं सीजर के लिए तो उन पे पूरा विश्वास करके आपको सीजर के लिए जाना चाहिए। तो यह थी सारी बातें नॉर्मल डिलीवरी और सीजर की। इसके साथ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होने के लिए मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर यदि आप होना चाहती है तो यह बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है संजीवन गर्भ संस्कार के ऑनलाइन वर्कशॉप में। जब आप ये क्लास ज्वाइन करती है वहाँ पे आपको पूरा ट्रेन किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी को फेस करने के लिए और आप एंजॉय करती है नॉर्मल डिलीवरी के दर्द। इतना ही नहीं, आप एंजॉय करती है हर वो मोमेंट लेबर पेन का और आपके बेबी को फर्स्ट टाइम देखने का। और इसीलिए यदि अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।